हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज के वीडियो में जो आपका बिजनेस स्टडी क्लास 12th के बच्चों का चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 के। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, जो बच्चे अपना कोर्स कम्प्लीशन करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं बेटा उनके लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह, स्टडी वगैरह सब अवेलेबल है। अगर आप उसमें ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर अपने डाउट्स के लिए या फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। जितनी भी हमारी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स तक बाय चांस नहीं पहुंचती, बल्कि एक वो प्रोसेस को फॉलो करती हैं और वो प्रोसेस हमारी कहलाती है मैनेजमेंट, यानी कि इसका आंसर होगा डी। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विचार। जो हमारी मैनेजमेंट है वो जरूरी है या एसेंशियल है किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड्स। मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज होती है जिसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ये तीनों ही हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव, यानी कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए, तभी तो सबका काम एक ही डायरेक्शन में जाके लगेगा। तो यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन होना चाहिए, फोर्थ का आंसर होगा आपका बी। सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट, जो हमारा सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है वो एंश्योर करता है गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स यानी कि यहाँ इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, यानी कि इसका आंसर होगा सी, फिफ्थ का सी, यानी कि बोथ ऑफ द अबव। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट, इसका आंसर होगा सिक्स का बी, डूइंग थिंग्स राइट। इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग, अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस है तो यहाँ पे डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल्स, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोहन वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जो रोहन है वो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, उसको टास्क दिया गया है कि आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, किस कॉस्ट पर, 150 पर यूनिट पर 10 दिन के अंदर, इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर। अगर उसे इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, वर्क 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए भले ही पैसा ज्यादा लग जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 से कम रहे, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ इफेक्टिवनेस की बात हो रही है तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। जय काम कर रहा है एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी में, उसको टास्क मिला है कि आपको 100,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सेल करना है और कॉस्ट है 100 पर यूनिट 20 दिन के अंदर। ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट विद द स्टेबल टाइम बट हैड टू सेल लास्ट मंथ यूनिट एट 20% डिस्काउंट। उसने अपने सारे के सारे जो गुड्स थे वो टाइम पर बेच दिए, लेकिन जो आखिरी के 1000 यूनिट्स थे उनको उसे 20% डिस्काउंट पर बेचना पड़ा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। यहां पर ये क्या है, टाइम कम, वो काम टाइम पर कंप्लीट हुआ है, तो ये वो कौन है, सर वो इफेक्टिव मैनेजर है। इफे एफिशिएंट नहीं है क्यों, क्योंकि लास्ट में उसने डिस्काउंट दे दिया है। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, इसका होगा आपका बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। चलिए 11th है, द
Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. जो Tarang Enterprises है वो plan कर रहे हैं अपनी sales को increase करने का 30% से. इस feature में आपको क्या मालूम पड़ रहा है? Management is all pervasive, management is goal oriented, management is a continuous process, all of the above. यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि management is a goal oriented process. नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर आपको किस फीचर की बात लग रही है भाई? यहाँ पर जो हमारा फीचर है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. चाहे कैसा भी एनवायरमेंट हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, मैनेजमेंट हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है. मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरी आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव. मैनेजमेंट में काम को ऐसे बांटा जाता है जिसके हिसाब से हमें जो हमारे टारगेट हैं वो हम अचीव कर पाए. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है? चलिए देख लेते हैं सर कौन सा बताता है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स. ओके. अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन. ओके. Each member of the organization may have different individual goal, but they must travel together towards common goal. Okay, यानी कि तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का डी, all of the above. Keeping in view the changes in the customer demand and preferences, Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat content in the product. मार्केट में उनके डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में शुगर और फैट की जो कंटेंट था वो कम किया है. इस अप्रोच से आपको क्या मालूम पड़ रहा है? मैनेजमेंट क्या है? सर मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है. मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने काम को चेंज कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे तीन होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. तो यहाँ पर आपको सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ को ढूंढना है और बताना है, यानी कि इसका आंसर होगा. यहाँ पर हम फ्री एजुकेशन बता रहे हैं तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. हमारे एम्प्लॉयज के लिए जब हम कुछ करते हैं तो वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है. मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज. मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट द चेंजेस. सही बात है. सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, ये भी ठीक है. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये भी ठीक है. यानी इसका आंसर है 17 का डी, ऑल ऑफ द अबव. मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज. मैनेजमेंट को आर्ट क्यों माना जाता है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, नहीं. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये भी नहीं. डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इन टू इफेक्ट डिफरेंटली बाई डिफरेंट मैनेजर, यानी कि ये ठीक है आपका 18 का सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, ओके. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये नहीं है. यानी कि इसका आंसर होगा बी. द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू. यहाँ पर किस चीज को राइज मिलता है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी? वैसे डिफरेंट फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं. डिफरेंट लिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, यस. इसका आंसर होगा 20 का बी. Which of the following is not a designation related to top level management? इनमें से कौन सा ऐसा designation है, पद है, जो कि top level management में नहीं आता? President आता है, vice president आता है, chairman आता है, production manager नहीं आता, वो middle level पर आता है. तो ये हमारा answer होगा इसका D. Which of the following is not a designation related to middle level management? में से कौन सी designation ऐसी है जो middle level पर काम नहीं करती? Operation head, okay. Sales manager, okay. Divisional manager, okay. यानी कि ये होगा chief operating officer. Chief operating officer हमारा top level पर काम करता है. अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम नहीं करता? ये करते हैं, सुपरवाइजर करते हैं, सेक्शन ऑफिसर करते हैं, ये नहीं करते. मार्केटिंग मैनेजर हमारे मिडिल लेवल पे काम करते हैं. तो इसका होगा 23 का डी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, एंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं है, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिपार्टमेंट, ये भी नहीं है, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ये भी नहीं है, एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डी इज द राइट आंसर. Which of the following statement does not pertain to middle level management? इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो middle level management से match नहीं करता? They are responsible for the activity of the operation manager. सही है. They are responsible for the welfare and survival of the organization. ये सही है क्योंकि ये जो काम होता है वो top level management वालों का होता है. 26 का है. Which of the following statement is not true for lower level management? Lower level management के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? Analyze the business environment and its application for the survival of the business. ये पहले पे ही दिख रहा है, ये हमारे top level का काम है, तो ये हमारा 26 का A. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. आपको बताना है कि इनमें से कौन से level of management है जो directly वर्कफोर्स से कनेक्ट रहता है, इंटरेक्ट करता है, इनमें से कौन सा नहीं होता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता है 27 का डी. मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर रियलाइजेशन. इनमें से किसका मेन टास्क ऐसा होता है जो बताएगा कि काम क्या होगा, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, ये काम होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का. The level of management serve as a link between top level manager and first line manager. भाई टॉप की बात हो रही है और लोअर की बात हो रही है, तो बीच में कौन आएगा सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करता है, व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, यस, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, ये भी सही है, वेयर इट टू बी डन, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव. The function of management related to grouping of activity to be carried out into departments and creating management hierarchy is, यानी कि ये जो management का function है वो relate करता है कि जितनी भी activities है उनको group में करना और कौन सा department क्या काम करेगा, ये function है हमारे organizing का 31 का B. This function of management relating to laying down the foundation for carried out. काम कहां से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, ये हमें कौन बताता है, ये हम प्लानिंग में तय करते हैं, 32 का होगा आपका सी. सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये की एलिमेंट है किसके, सर यहां पर जो बात हो रही है वो हमारी बात हो रही है डायरेक्टिंग की, ये सब डायरेक्टिंग का हिस्सा है. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेइंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ये हमारे किससे काम होता है, स्टाफिंग का होता है, जॉब से रिलेटेड सारे काम स्टाफिंग करती है. इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों माना जाता है, ये सारे ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी इज द राइट आंसर. Identify the process that provide requisite amount, quality, timing, sequence of management which ensure the planned objective minimum conflict के साथ, यानी कि जो भी आपने सोचा है वो हो जाए बिना लड़ाई झगड़े के, तो ये हमारा coordination करवाता है. And last but not the least, identify the feature of coordination being coordination is not a one time function. It's begin at the planning stage and continue till, यानी continue की बात हो रही है, तो 38 का सी, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसे ही मैं हर चैप्टर के लगभग 100 MCQs आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो. लाइव क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो बेटा वन टाइम फीस में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, तो जो भी उसमें ज्वाइन होना चाहे ज्वाइन हो सकते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.